सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमें कामधेनु रिसॉर्ट से बुलाया गया है ब्रेकफास्ट राइड पे। सो एक काइंड ऑफ ग्रैंड मीटअप है। सब बड़ा के राइडर्स सब मिलने वाले हैं, ग्रुप राइडर्स और सब सोलो सब फॉग साथ में। तो ट्रीटमेंट ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं आज लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। सो चेक करो आप आगे। मक ऑफ का है सी यू सून, बाय। और ये मेरे को स्पार्टन गेम्स। हाँ, आमच्या मध्ये जयमीर आहे, तुमच्या मध्ये लीड कोण करेल? मीच करेल बेटा, तू करेल ना? तर तुम जयमीर मग कुठे? हां, तो मग सगळे सोबत निघू ना, आता निघतो जे म्हणून सांगतो फिरून तक नाही निघतो तर ठीक आहे, चला चलो। हां, फिरून तक मी आला, बाईकच काढतो आम्ही, चलो। अरे ये ब्लूटूथ सिस्टम डाल देना, पर अरे डालने का अभी वो बेस्ट रहता है, माइक भी मिल जाता है तेरे को। इसका बंद कर देने का, इसका माइक यूज करने का। अभी महीना ही हुआ है, बजट भी थोड़ा देखते हैं। ये जो ग्रुप है वो एनडी का ग्रुप है, आरआरसी करके, ठीक है। सो इनके साथ हम जाने वाले हैं एनडी। ये पूरा लाइनअप होते हुए अच्छे से, सो चलो फटाफट चलते हैं। अभी चलिए राइडिंग रिसोर्ट जाके मिलते हैं। चलो चले, चल लेट्स गो। रैसोर ज़्यादा दूर नहीं है, 27 किलोमीटर ही है कुछ, स्विंग रोड के आगे। तो हम सब बेसिकली भाई सब मिलके ब्रेकफास्ट राइड वगैरह पे जा रहे हैं। सो ये जो रेसोर्ट है वो प्रॉपरली है बड़ोड़ा से, अपन जो आनंद की साइड जाते हैं सिंह रोड वाले रोड से। सो वो वहीं पे बीच में ही आता है, सिंह रोड से थोड़ा ही आगे है, जो उमेटा चार रास्ता है उससे थोड़ा ही आगे रेसोर्ट आ जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं वीडियो में दिखाऊंगा रेसोर्ट, ठीक है। और ये सब हमारा बाइक ले आ रही है बाइक। सो आई होप मेरा आवाज़ इस टाइम भी क्लियर होगा। इंडिया वेदर बहुत अच्छा है, सो मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का, और इतना ट्रैफिक भी नहीं है। बाकी यूजुअली संडेज को ये रोड्स पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, आगे वो टाइम टाइप जैसा है सिंह रोड का। चलो चलते हैं फटाफट, ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे भी मीटअप वगैरह है, तो सबसे मिलने में ही ज़्यादा टाइम जाएगा। सो जितना उतना करते हैं। उसके बाद एक ऑफ रोड राइड, शॉर्ट राइड प्लान किया है यहाँ पे उल्टा साइड, तो वो आप चेक करना, ठीक है। वो आइडिया नहीं है कि कितने बंदे जा रहे हैं अपने साथ, बट मज़ा आएगा। ओके बाय, कैच यू गाइस। आगे ले ले, आगे ले ले। मंडल लाइन
अभी चालू नहीं हुआ, उसके पहले चालू हो गए। हम सब यहाँ पे खड़े हैं, फोटो छोड़ के पहले दबाने का। मंदार, हम जो करने आए थे वो कर रहे हैं, अभी हम भी करेंगे। चलो करते के नहीं जाने भूले यार। आशीष भाई, आशीष आएगा। चल 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 भाई, सुधा से आमाम चाल से खड़ी। अरे तू बैसने खाली, बता आई गया ना। सुन, सेकंड गियर पे ही रखना वरना स्लिप हो जाएगी, ठीक है? अपने को वहाँ पे जाना है, वो पहाड़ से ना ड्यून्स, वहाँ पे विजय सामने पहाड़ पे। हाँ नज़दीक है वो, दिख रहा है ऐसा, ये जो पिलियन में है ना यार, आगे ले लेना। બીજા ગેર પર રાખજે, નહીં તો સ્લીપ થઈ જશે ગાડી, હા ને? પિલિયન છે એટલે, અને આપણે સામે જે આ જે ટ્રેક છે એને ફોલો કર, આગળ ઉછો રાજદીપ ગયો, એને કામ હતું એક, હા એ ચલ, અને પડે ને એવું લાગે ને તો બાઇક છોડી દેજે, બાઇકને લઈને ઘસાતો નહીં તો પતી હશે। ચલો જો ઉતર નહીં યાર, અહીંયા છે ને નીલ ગાય છે, જો પેલી રહી
જો આવી ને તો એની માને થોડલ ખોલી દેજે, નહીં તો એ ઠોકશે તો મરી જ જવાશે ડાયરેક્ટ. અહીંયા દોડશે બધી, બહુ બધી. અહીંયા આપણે એસેડ જઈએ, અહીંયાથી આમ જવાનું, આમ જઈએ. અહીંયા નહીં, અહીંયા કશું નથી. પેલી સાઈડ છે નદીના એન્ડ પર જઈએ. પેલા લોકો, પેલા લોકો બીજી સાઈડ ગયા. એટલે ત્યાં તો ઢીલી માટી છે, ડર્ટ બાઇક છે એવું છે. અહીંયા મેં એટલે જ કીધું અહીંયા આવીએ. નીલ ગાયથી આજો છે ખાલી, એ પાછળ દોડે. આપણે નીલ ગાય નહીં દેખાતી લે તને, કઈ ગઈ અહીંયા જ ફરતી હતી ને હમણાં, આ ઝાડની પાછળ જ ગઈ. આ ચાલુ છે. તો અભી હમ લોગ ઓફ રોડ મેં આયે, યે સબ ઠીક હૈ, તો ચલતે અંદર. લેટ્સ ગો. એક મિનિટ હું ખાલી એક આટો લઈ લઉં. પેલી બાજુ આ સાઈડ જ છે. ચાલ બેસી આ. બગાયેલા મજા આવશે જો. ડિયર सो फ्रेंड्स, जो मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा था वो ये रहा, ठीक है. सो ये है एंटी फॉग ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रीमियम एंटी फॉग ट्रीटमेंट. ये मक ऑफ का है, ठीक है, और ये मेरे को स्पार्टन गेस से आया है. जो यहाँ पे पिच स्टॉप है ना, संगम चारस्ता है, नवाज भाई उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया है. तो ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ. ये जो आप हेलमेट सामने देख रहे हो, इसका ये जो वाइज़र है ना, ये वाइज़र, इसमें क्या यहाँ पे अंदर फॉग हो जाता है. अगर आप इसको पहनते हो और अंदर मास्क या फिर कुछ भी हो, या फिर इनकेस व्लॉगिंग भी कर रहे हो ठंडी में, तो यहाँ पे अंदर फॉग जमा हो जाता है अंदर के साइड और बाहर भी, ठीक है. तो ये एक्चुअली क्या करता है, इसको अपने को अंदर स्प्रे करना है और फिर वाइप कर देना है पूरा, ठीक है. तुरंत ही मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं पूरा प्रोसेस. आप चेक करो प्रॉपरली. अगर आपको बाय करना रहेगा तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. सो गाइस, दिस इज़ द प्रोडक्ट और इसे हम अभी अप्लाई करेंगे, ठीक है. तो इसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको जो मेक श्योर करना है कि आपका वाइज़र प्रॉपरली क्लीन हो. तो मैं निकाल के क्लीन करूँगा, बट एक बार दिखा दूँ मैं ये नॉर्मल सा अपना जो रुमाल आता है हैंडकरचीफ जैसा, उससे मैं पहले क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है. फिर वाइज़र निकाल लेंगे अपन इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक. एंड एक चीज़ होगा वाइप, ठीक है, एकदम कॉटन वाइप अच्छा वाला. ये मेरे पास पड़ा था, ऐसा है दो तीन मेरे पास. मैं GoPro का लेंस वगैरह क्लीन करने के लिए कैरी करता हूँ. तो अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल सा कोई अच्छा कपड़ा भी चलेगा, टिश्यू भी चलेगा, ठीक है. तो देखिए, सो ये भाई सर अपना आ चुका है बाहर, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन भी कर लेंगे अभी निकाले तो. अभी ज़्यादा कोई काम नहीं. सो ये रहा मेरा वाइजर, स्मोक वाइजर कहते हैं इसको, जो पूरा ब्लैक भी नहीं है और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है. सो विजिबिलिटी क्लियर है ऑलमोस्ट, और ये आपको कहीं यूवी से रेस से भी प्रोटेक्ट करता है. तो मेरे को ये कंफर्टेबल है, ब्लैक से ज़्यादा ये अच्छा लगता है मेरे को. इस पर वाइपर पर शूट भी होता है अच्छे से, ठीक है. तो इसको एक बार एक सूखे कपड़े से क्लीन कर लेते हैं, जो मिट्टी वगैरह है उसको निकाल लेते हैं.
और जो एरियाज है आपको ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये वाइजर है ना, इसमें ये जो ये पूरा फिल्म दिख रहा है उसके ऊपर ही अप्लाई करना है और कहीं पे नहीं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। ये पहले इसको निकाल लेते हैं टिश्यू को, क्योंकि तुरंत ही वाइप करना है अपने को। सॉलिड किया है इसका, पहले पेपर का आता था पेपर ये, बट पेपर के अंदर प्लास्टिक है। देखो सो ये है टिश्यू, एक अच्छी क्वालिटी का टिश्यू रखना जरूरी होता है, क्योंकि आपको चश्मा हो या कुछ भी हो राइट पे साफ करने के लिए इजी रहा। ओके तो ये टिश्यू आ गया एंड नाउ इसको अपन अप्लाई करेंगे। सो बिफोर अप्लाइंग इसको अच्छे से शेक कर लो जब तक ये बबल जाए तब तक, ठीक है। ओके और फिर अभी अप्लाई करते हैं, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, ओनली एक ही बार कुछ इस तरह, फिर इसको स्प्रेड कर दो। सो एक बार ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए फिर देख लो इक्वली है कि नहीं सब जगह, ठीक है। एक बार ये जो ड्रॉपलेट्स है ना वो सब जगह जाना चाहिए, हर एक जो कॉर्नर्स है ना पूरा, ये जो कर्व डिस्प्ले सॉरी जो फिल्म बोलते हैं उस पे जाना चाहिए। और अगर कम पड़े तो एक बार मैं एक और बार कर लेता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पैच है जो नहीं हुआ। एंड नाउ इट्स डन, ये वाइप है अपना, ठीक है। इसको फोल्ड कर देना है ऐसे और इसे घिसना नहीं अपने को, स्मूथ लेता हूँ लाइक दिस, सब निकाल देना। ऐसे करने के बाद एक बार ऊपर से एक टाइप का है ना ये कुछ हम बोलते हैं बबल्स जैसे होता है उस टाइप का आएगा वाइटिश, ठीक है। सूखने के बाद आप इसको टर्न कर दो क्योंकि ये तुरंत गीला हो जाता है वाइप्स। टर्न करने के बाद इसको प्रॉपरली पोंछ दो टिश्यू से, ये हो गया। और ये रहा सूखा कपड़ा, एंड ये को बाय डूइंग दिस आपका जो वाइजर है ना अभी वो है एंटी फॉग, ठीक है। फॉग जमा नहीं होगा, आप अंदर व्लॉगिंग भी कर सकते हो, और जिसको इश्यूज है अभी यू नो कोविड टाइम चल रहा है तो मास्क पहनते वाइजर बंद नहीं करते वो लोग, क्योंकि फॉग जमा हो जाता है, दिखता नहीं, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। तो ये है बेस्ट सॉल्यूशन अभी तक का, मैंने यूज़ किया है। सो आई हाईली रिकमेंड यू, राधा जान वो जो फिल्म चिपकाते हैं उसमें के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं थोड़े टाइम में। मैंने फेस किया था कि मेरा फ्रेंड है नवाज करके, यहाँ पे शॉप है उसकी, उसने मेरे को ये रेकमेंड किया कि ये लेके जाए एक बार ट्राई कर, नहीं पसंद है तो रिटर्न कर देना। सो अभी इसको अपन ट्राई करेंगे कैसा चल रहा है, किचन एंड रिव्यू मे बी आफ्टर मेरी राइड ख़त्म हो जाए महाराष्ट्र की इसका जेन्युइन रिव्यू देंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत फॉग है बादलों के बीच में से जाना है, तो ये अच्छे से काम करेगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। और ये स्प्रे कितने का पड़ा वो मैं बता दूँ आपको, इसके ऊपर 900 लिखा है पर ये मेरे को 1000 में पड़ा था, और अभी शायद इसकी प्राइस बढ़ गई है। देखो इसमें एक्चुअली क्या है, सस्ते भी आते हैं। सो इसमें एक्चुअली क्या है, थोड़ा सस्ता वाला भी आता है बट फिर वो उसका जो टाइम पीरियड है ना वो थोड़ा कम रहता है इससे। ये अभी कैसा है कि अगर मैंने एक बार अप्लाई कर दिया ना तो ऑलमोस्ट जब तक ये वाइजर क्रैक नहीं होता तब तक ये है एंटी फॉग। तो बट ओके तो वाइजर इतना ईजिली क्रैक नहीं होता जब तक हेलमेट गिरता नहीं या फिर क्रैश नहीं होता, तो चलेगा। अभी इसका जनरल रिव्यू मैं दे दूँगा एक बार,
इसको अच्छे से यूज़ करना है मेरे को, और अभी अपन पहनेंगे और अंदर से वो वाफ छोड़ के थोड़ा देखते हैं, वेपराइज करके देखते हैं कि आता है कि नहीं फॉग। ठीक है, अब वो चेक करो एक बार, ये सूख जाए थोड़ा, ऑलमोस्ट सूख चुका है बट स्टिल। अभी इसको मैं वापस इंस्टॉल कर दूंगा थोड़ा सा हेलमेट क्लीन करके, उसके बाद मिलते हैं आपको। ठीक है, बाय। सो ये अपना वाइजर लग चुका है, तो इसको बाहर से भी मैंने सेम ट्रीटमेंट कर दी। एक्चुअली बाहर से करनी नहीं होती बट फिर भी क्या फर्क पड़ता है, अपना ही तो स्प्रे है। इसको भी पोछ देते हैं। सब देख सकते हो पूरा चमक का आया। ठीक है, एंड इट रियली लुक नाइस, एकदम ब्रांड न्यू जैसा हो चुका है। यहाँ पे एक्चुअली एक दो स्क्रैच थे, वो भी चला गया यार, लिटरल स्क्रैच दिख नहीं रहा, ट्रस्ट मी। सो अभी इसको पहनते हैं अंदर, थोड़ा सा वो देखते हैं हो रहा है कि नहीं फॉग। पहले तो यार ये बाहर से बंद कर डालना पड़ता है। अभी क्या मैं अंदर भाई से बंद करूंगा, ठीक है, और अंदर कुछ बोलूंगा और हवा बाहर निकालूंगा, अंदर से एक्सहेल करूंगा। तो यहाँ पे देखते फॉग जमा हो रहा है या नहीं हो रहा, सब चेक करना। ठीक है, सो मैं अच्छे से हवा भी यहाँ पे निकाल के देखी, फॉग जमा नहीं हो रहा। सो टिल नाउ इट्स वेरी गुड। वंस अगेन मैं गोप्रो में लिखा हो तो ये रहा, गोप्रो में आ गया यार, इसमें नहीं आया। मैं गोप्रो में करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। सी क्लियर, एकदम क्लियर। सो ये अब तक का बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे लिए। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, मेनली ग्लासेस, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होते हैं उसमें, जैसे कि आपके चश्मा, स्पेक्स। मैं एक्चुअली एक GoPro से भी रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें भी किया है मैंने। ठीक है, लेंस निकाल के अंदर मारा था, तो भी ये भी ऑलमोस्ट एंटी फॉग हो चुका है। एंड मैंने एक और जगह किया था, मेरा वाइजर हेलमेट, अरे सॉरी बाइक का विंडशील्ड है ना, उसमें तो है, तो कर रहा हो यार और क्या, क्योंकि इतना स्प्रे इजीली यूज़ होगा नहीं। अगर आप शौकीन हो, आपके पास 3-4 हेलमेट्स है और 5-6 वाइजर्स है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरा तो क्या 2 वाइजर है मेरे पास और 2 हेलमेट है, तो मैं इसको मारते रहता हूँ। और ऐसा नहीं कि अभी मार दिया तो फिर मैं बहुत टाइम बाद मारूँगा, मार दूंगा यार, एक वीक में वापस स्प्रे कर देंगे, बहुत पूरी बॉटल पड़ी है अपने पास। ठीक है, तो आप भी ले सकते हो ये, अगर आप बड़ा सा तो मेरे को DM करो इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पे राइड विथ AK करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अच्छे से डील कर देंगे अपन इसकी कोई, उससे बात कर लूँगा फ्रेंड से। तो आप ये परचेस वहाँ से डायरेक्टली शॉप से कर सकते हो विथ बिल। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे है साइट स्पार्टन गेयर प्रो करके, वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, और मेरे को बताना किस किस ने बाय किया और कैसा लगा प्रोडक्ट। अच्छा है मेरे ख्याल से, मैंने यूज़ किया है, पहले भी यूज़ किया था, बट थोड़ी बॉटल अलग थी, बड़ी वाली थी, और आई गेस मग ऑफ ही था वो भी, याद नहीं है, बहुत पहले यूज़ किया था जब मैं वेगा यूज़ करता था, ये MT नहीं, पहले के हेलमेट्स में। ठीक है, सो अभी इसको यूज़ करेंगे, एंजॉय करेंगे। एक्चुअली आज 23rd of January है और मैं आज निकल रहा हूँ, ठीक है, राइड के लिए, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो शूट कर दिया बिफोर राइड। आपको ये भी थोड़ी डिटेल भी मिल जाएगी और मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँगा फॉग में राइड करने के लिए। ठीक है, सो बिग थम्स अप। तो वीडियो अभी हम एंड करेंगे, अगर आपको वीडियो कोई भी इसका पार्ट पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये बहुत सारों की प्रॉब्लम रहती है, तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
प्लीज बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे पीस आउट.